अस्सलामुअलैकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड। और आज का जो एपिसोड है इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी और बहुत ज़्यादा लोग इसका मुझे पूछ रहे थे। मुझे खुद भी पर्सनली इस सफ़र का बड़ा इंतज़ार था। हम सफ़र कर रहे हैं आज हज़ारा एक्सप्रेस पे, हज़ारा एक्सप्रेस का पार्ट जो मानसेरा से थाकोट तक खुल गया। तो इसका स्टार्ट ये एक टनल से हो रहा है, आप देख रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में सफ़र किया था शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेरा तक, और पिछले महीने मानसेरा से थाकोट तक का रीजन खोल दिया गया और ये सड़क अब जाके कनेक्ट करती है थाकोट पे सीधी कराक्रम हाईवे को। ये बहुत बड़ा इनकलाब है। जो लोग इस सड़क पे कराक्रम पे सफ़र करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। और वैसे भी आजकल बरसात का मौसम है, ग्रीनरी हर तरफ है, और पिछले सफ़र का भी बड़ा मज़ा आया है। और इंशाल्लाह आगे चलते हैं, नई सड़क देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा। हज़ारा एक्सप्रेस का मंसूबा इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर बुरहान इंटरचेंज के करीब से शुरू किया गया, जिसके पहले फेज़ में शाह मकसूद तक सड़क मुकम्मल की गई। इस 40 किलोमीटर के फेज़ में हसन अब्दाल और हरिपुर जैसे शहरों को बाईपास किया गया, जबकि फेज़ टू में शाह मकसूद से मानसेहरा तक सड़क को खोल दिया गया। इस फेज़ की लंबाई तकरीबन 60 किलोमीटर है। इस फेज़ के बनने से हवेलियाँ और एपटाबाद शहर की मुश्किल ट्रैफिक से बाईपास मिला। और अब हाल ही में इसका तीसरा और आखिरी फेज़ हर किस्म की ट्रैफिक के लिए थाकोट तक खोल दिया गया है। इस फेज़ के बाद मानसेहरा और शिंक्यारी जैसे शहरों को बाईपास मिला और इस फेज़ की कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। तो चलिए इस खूबसूरत सड़क की सैर करते हैं। मानसेहरा टनल की कुल लंबाई 2528 मीटर है, जो कि तकरीबन 2.5 किलोमीटर बनती है। ये टनल सिंगल लेन है, लिहाजा ओवरटेक करने का सोचें भी ना। टनल में खुदा न खास्ता आग लग जाने की सूरत में फायर एक्सटिंग्विशर रखे गए हैं ताकि बर वक्त इस पर काबू पाया जा सके। और किसी एमरजेंसी की सूरत में अगर आपको गाड़ी रोकनी हो तो इसके लिए कुछ फासले के बाद एक्स्ट्रा लेन दी गई है ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। एमरजेंसी की सूरत में मैनेजमेंट से रबते की ज़रूरत हो तो एमरजेंसी कॉल के लिए टेलीफोन बूथ भी कुछ फासले पर नज़र आते हैं। और अगर जल्दी में टनल से बाहर निकलना पड़े तो टनल की इन और आउट का फासला बताया गया है ताकि आप ठीक सिमत में ट्रैवल कर सकें। मानसेहरा टनल से निकलने के कुछ देर बाद शिंक्यारी का कट आ जाता है। उल्टे हाथ मुड़ने पर आप बफा और बजना जा सकते हैं और शिंक्यारी जाने के लिए आपको सीधे हाथ मुड़ना होगा। माशाल्लाह सब्ज़े से भरे बुलंद पहाड़ और दामन में लहलहाते खेतों से गुजर कर जाना भी बहुत खुशगवार एहसास है। सड़क से आपको छोटे छोटे घर नज़र आते हैं और मुकामी लोग काम काज में मसरूफ़ हैं और इर्द गिर्द की ग्रीनरी आपका मूड बहुत अच्छा रखती है। हज़ारा मोटरवे का ये फेज़ नहायत खूबसूरत है। कुदरत के रंग इतने गालिब हैं कि सफ़र का पता ही नहीं चलता, और ऐसे सफ़र पर थकावट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी पहाड़ सड़क से दूर चले जाते हैं तो वादी का मंजर महसूस होता है, और कभी सड़क के दोनों तरफ में आकर सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं।
सफ़र पर कई जगह ऐसी गुजरी जहां दिल किया कि गाड़ी रोककर कुछ देर कुदरत से हम कलामी की जाए, मगर अभी मुझे मगरिब से पहले थाकोट पहुंचना है। मानसहरा टनल के बाद दूसरी टनल कारमिंग की आती है, जो कि ज़्यादा लंबी नहीं। इस टनल में भी पिछली टनल की तरह फायर एक्सटिंग्विशर, टेलीफोन बूथ और एमरजेंसी लेन की सहूलत दी गई है और ट्रैफिक के महफूज बहाव को यकीनी बनाया गया है। हज़रात, मेरे व्यूअर्स अपना इम्पोर्टेंट क्रिकेट मैच छोड़कर मेरे ड्रोन शॉट्स चेक करने पहुंच चुके हैं कि मैं काम ठीक भी कर रहा हूं या नहीं। अब दुआ करें कि इज्जत रह जाए। यहाँ भी दूसरी टनल्स की तरह सब सहूलतें दी गई हैं, जिनका जिक्र मैंने पहले किया है। बटल टनल के बाद बटग्राम का कट आता है और आपका सफर मजीद खुशगवार हो जाता है। मानसहरा के बाद इस सड़क का शायद मोटरवे वाला स्टेटस खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाइक भी रिक्शे भी अलाउ हैं और सिंगल सड़क हो जाती है। अभी मैंने बटग्राम क्रॉस किया है और मानसहरा से लेके बटग्राम तक तीन टनल्स आई हैं। 3-3 किलोमीटर की दो टनल्स हैं, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की और बेहतरीन ग्रीन जो है वो सफ़र जारी है हमारा। अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं ना, तो ये हज़ारा एक्सप्रेस आपके लिए बेस्ट है। मानसहरा तक आपकी जो वैली होती है ना, पहाड़ ज़रा दूर दूर होते हैं। मानसहरा के बाद दोनों पहाड़ करीब आ जाते हैं, सड़क बीच में नैरो पैसेज बन जाता है। दूसरी बात आपको बताऊँ, बटल टनल के बाद आपका जो रास्ता है वो डाउन स्लोप स्टार्ट हो जाता है, तो आपकी जो ड्राइव है उसको थोड़ा ट्रिकी हो जाती है, तो स्पीड का आप लाजमी ख्याल रखें। एक सर्विस एरिया अभी गुजरा है पीछे से, लेकिन वहाँ पर अभी काम जारी है। तो बटग्राम क्रॉस किया तो हार्डली मेरा ख्याल है 12-15 किलोमीटर यहाँ से रह गया है थाकोट, तो चलते हैं। लें जी, थाकोट टनल भी आ गई और गुजर भी गई। जब आप टनल में से गुजरते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे पीछे से कोई दोशीज़ा आवाज़ दे रही है, एक फ़ीमेल विसल आपको फील होती है, लेकिन वो एयर ब्लोअर होता है, लिहाजा आपने सीधा ही देखना है, इधर उधर नहीं देखना। हज़ारा एक्सप्रेस का मेरा ये सफ़र थाकोट पे आके ख़त्म हो गया। अभी मैंने थाकोट की टनल क्रॉस की है, 615 मीटर लंबी है ये। यहाँ इस टनल के 5 से 6 मिनट ड्राइव पर आपको थाकोट शहर आ जाएगा, जहाँ जाके ये सड़क KKH के साथ लिंक हो जाएगी। देन फिर आप अगर राइट टर्न ले लेंगे तो बशाम चलास की तरफ निकल जाएंगे, और अगर लेफ़्ट टर्न ले लेंगे तो आप KKH के पुराने रूट पे आ जाएंगे। रास्ते में जो इंटरचेंजेस कोई नहीं है, मानसहरा के बाद जितने भी शहर और गांव हैं वो खुद सड़क के ऊपर आ जाते हैं, इसलिए इंटरचेंज कोई नहीं है। स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं इवन के। और ये सड़क जो है 12 महीने इंशाल्लाह चलेगी, क्योंकि नारायण बाबूसर जो रोड है वो चलता है 3 से 4 महीने, उसके बाद वो बर्फ़ में कवर रहता है,
तो KKH का अल्टरनेटिव बड़ा अच्छा दे दिया गया है और अब हमारा काम है इस सड़क की एहतियात करें, इसकी हिफाजत करें और ख़ास तौर पे मेरे ट्रक वाले भाई इस सड़क की हिफाजत करें। और आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं मेरा ये एपिसोड आपको कैसा लगा और ये ट्रैवल जो है मैंने ऑल द वे आप लोगों के लिए किया है। और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मानसेहरा से थाकोट का सफ़र तो आपने देख लिया, अब जल्द ही हज़ारा एक्सप्रेस पर एक मुकम्मल एपिसोड बनाऊंगा जो बुरहान इंटरचेंज से लेकर थाकोट तक का होगा। और अगर आप पाकिस्तान की बुलंद तरीन खूबसूरत आबशारें देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर मूड है एबटाबाद शहर जाने का तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।